स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्ट फट। आज मैं आपके सामने एक होम डेकोर का पीस लेकर आई हूँ, जिसको बनाने के लिए हमें एक कार्डबोर्ड, एक्रेलिक कलर्स और आपका पीओपी और ग्लू और थोड़ा सा पानी और ब्रशेस की जरूरत पड़ेगी। देखिए, हम इसको बनाते हैं। यस, हेलो स्टूडेंट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें वॉल पीस बनाना है। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको मटेरियल में बताया था कि हमने कार्डबोर्ड की हमें नीड है, तो हम इसके कार्डबोर्ड के इस तरह से हम ये पत्ते हम काट के रखेंगे, इस तरह से, कोई छोटा कोई बड़ा, एज यू विश। फिर अब हम इस पे पीओपी अप्लाई करेंगे। पीओपी, ये देखिए मैंने पीओपी तैयार कर रखी है। इसमें थोड़ा सा ग्लू मिला के, थोड़ा सा वाटर मिला के, और इसको हम डायरेक्ट इस पे ब्रश से अप्लाई करेंगे। इस तरह से पूरे पे हम लगा लेंगे अच्छे तरह से, इवन। इस तरह से हमने, देखिए इस तरह से इस पे पूरे पे अप्लाई कर दिया। अब हम इसको एक तरफ रख देंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा सूख जाए। अब ऐसे ही हम दूसरे पत्ते पर पीओपी लगाएंगे। देखिए, इस तरह से हमने दूसरे वाले पत्ते पे भी अच्छी तरह से इसको लगा दिया। एंड पॉइंट हम छोड़ देंगे, जिससे कि हम एक दूसरे पत्तों को एक दूसरे के साथ जोड़ सकें। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने दूसरे पत्ते पर भी पीओपी लगा ली है। अब हम इसको भी सुखाने के लिए रख देंगे। आधा घंटे में ये आपका पत्ता रेडी हो जाएगा। अब हम इस पे देखिए कलर करना स्टार्ट करेंगे। अब हम कलर इस पे कैसे करेंगे, देखिए, इसको हम कलर करने के लिए हम फैब्रिक कलर्स का यूज करेंगे। देखिए, फैब्रिक कलर्स हैं ये हमारे पास, ये फैब्रिक कलर्स का हम यूज करेंगे। अब देखिए, इसको बनाने के लिए हम पैलेट लेंगे। पैलेट में हम अपना कलर मेल्ट करेंगे। पहले हम इसको बनाने के लिए पूरा ब्लैक कलर कर देंगे।
ब्रश की हेल्प लेंगे। कलर हम ब्लैक कलर। फैब्रिक कलर्स या एक्रेलिक कलर्स, इन दो कलर्स को आप इस पे यूज कर सकते हैं। पूरे में अच्छी तरह करेंगे आपका, जिससे कि व्हाइट बैकग्राउंड हमारा जो है वो हमारा कवर हो जाए। हाथ गंदे होने का अगर आपको डर लगे तो आप ग्लव्स यूज कर सकते हैं। आप अच्छे से पहले सूखने देंगे। देखिए, ये मैंने पत्ते पर पूरा एक ब्लैक कलर का कोट कर दिया, जिससे कि हमारा व्हाइट पार्ट जो है वो पूरा छिप गया है। फिर भी जहां आपको दिखे, थोड़ा दिखाई दे, तो आप उस पे एक कोट और कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। अब हम इस पे अपना साथ में एक वेस्ट क्लोथ भी रख के बैठेंगे, जिससे कि ब्रश को क्लीन करके आप उसको रख सकें। अब हम इस पे नेक्स्ट कलर की कोटिंग करेंगे। थोड़ी देर सूखने देंगे 5-6 मिनट्स के लिए। जैसे कि आपका हमें करना तो वैसे मिक्स ही है कि नीचे का ब्लैक भी दिखता रहे और जो हम नेक्स्ट कलर की कोटिंग कर रहे हैं इस पे वो भी हमारा कलर इस पे दिखता रहे। देखिए इस तरह से हमने पूरा ये एक पत्ते को हमने कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा कार्डबोर्ड जो है हार्ड की तरफ ही लेंगे, लूज नहीं लेंगे और पानी का बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल गत्ता ही है, गल भी सकता है। देखिए ये जैसे हमने ऑरेंज कलर की हमने कोट इन पे कर।
कर दी। हम फिर से ब्रश को क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद अब हम इस पे एक नेक्स्ट और कलर डालेंगे, जिससे कि आपका शाइन। तो हमें शाइनिंग बनाने के लिए हम गोल्डन कलर का यूज करेंगे। हम 2-3 मिनट्स पे इसको सूखने के लिए देखेंगे, देखेंगे ये हमारा कितना इस पे अप्लाई होता है। अब हम इस पे इसी पे मिक्स करते हुए हम इस पे गोल्ड का शेड डालेंगे। थोड़ा भी गीला है इसका मतलब हमारा वर्क, तो इसलिए अभी शेड हमारा गोल्ड का नहीं दिख रहा है इस पे। देखिए अब इस तरह से, देखिए मैंने ये गोल्ड का शेड डाला है, जिससे कि ये बहुत अच्छा मेटेलिक शेड इस पे आ गया है। इस तरह से जहां भी आपको नीड लगे वहां पर अपना शेड डाल के अपने इस तरह से सारे लीव्स अलग अलग कलर के भी आप रेडी कर सकते हैं। देखेंगे इस तरह से एक लीफ हमने ये बना लिया। इसी तरह से ये वाला भी पत्ता हम कलर करेंगे। इतने ये लीव्स बनाने के बाद, 6 to 8 लीव्स बनाने के बाद अब हम इसको कंपाइल करेंगे एक साथ इसका। अब जैसे हमें डेकोर एक पीस बनाना है, इसको हम कंपाइल करेंगे। देखिए अब हमारे ये सारे पत्ते इस तरह से ये देखिए बनकर तैयार हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे सारे पत्ते ये बनकर तैयार हैं। अब हमें इनको असेंबल करना है एक डेकोरेशन पीस के लिए। तो देखिए जैसे भी एब्स्ट्रैक्ट कहीं भी इनको ज्वाइंट कर करके लगाते चले जाएंगे। तरह से एक एक पत्ते को जोड़ के आप हॉट ग्लू गम से भी इनको पेस्ट कर सकते हैं। जब सूख जाएगा तो ये एक दूसरे से आपस में चिपक जाएंगे।
ये थोड़ा बेस के लिए डाल देंगे, जिससे कि हमारा ये इस पे अब इसको हम सूखने के लिए रख देंगे, जिससे कि फेविकॉल जैसे सूखेगा ये आपका एक दूसरे से पट्टे हमारे अटैच हो जाएंगे। अब देखिए इसके हमारा सूख गया है। अब हम इसको हमने सीधा करके देखा तो इस तरह से आपका देखिए एक ये वॉल पीस तैयार हो गया है। अब इसको आप अपने घर में कहीं भी सजा सकते हैं, चाहे सोफे के पीछे, पलंग के पीछे, जैसे भी। देखने के लिए धन्यवाद।